हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के वड़े। सूजी के वड़े खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जो मैदू वड़े हम बनाते हैं उसके अंदर हमें दाल को भिगोना पड़ता है, तो उसे प्रिपरेशन करने में काफ़ी वक्त लगता है। तो चलिए सूजी के इंस्टेंट वड़े कैसे बनाए जाए देख लेते हैं। सूजी के वड़े बनाने के लिए हमें 1 कप सूजी चाहिए। मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी इस्तेमाल की है। साथ में दही लेंगे, तो मैं यहाँ पर 1 कप दही ले रही हूँ। आप दही की क्वांटिटी थोड़ी कम भी रख सकते हैं। साथ में 1 बड़ा कटा हुआ प्याज लिया है यहाँ पर। अदरक और हरी मिर्च ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और हरी मिर्च ली है 2। तो हरी मिर्च आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती लेंगे, आप करी पत्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच जीरा का लेंगे। 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा लेंगे। नमक स्वादानुसार ले लेंगे और वड़ों को डीप फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई के अंदर तेल ले लेंगे। तो चलिए सूजी के वड़े बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लें और इसके अंदर डाल लें सूजी। अब इसी के अंदर प्याज डाल लेंगे, बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डाल लें। इसी के अंदर डालेंगे बारीक कटा धनिया पत्ता, जैसा कि मैंने बताया आप करी पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं। स्वादानुसार नमक डाल लेंगे, बेकिंग सोडा डाल देंगे, तो 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा है। भुना हुआ जीरा डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें साबुत धनिया को रोस्ट करके उसे थोड़ा सा क्रश करके भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर लेंगे और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दही हमने काफ़ी क्वांटिटी में लिया है तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप दही कम क्वांटिटी में ले रहे हैं तो आप पानी की क्वांटिटी इसमें बढ़ा सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो आप चाहें तो अभी इसमें पानी ऐड कर दें, नहीं तो इसको रेस्ट देने के बाद भी इसमें पानी ऐड कर लें। तो ये हल्का सा गाढ़ा है तो मैं 2-3 चम्मच इसमें पानी डाल दूँगी और इसकी जो थिकनेस है वो एडजस्ट कर दूंगी। तो हमें इसमें बाद में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब सूजी पानी सो करेगी तो ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब 20 से 30 मिनट के लिए हम इसे ढककर रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं और सूजी काफ़ी अच्छे से फूल कर सेट हो गई है, तो एक बार फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यदि आपने जो वड़ों का बैटर बनाया है उससे वड़े नहीं बन रहे हैं, बैटर यानी काफ़ी पतला हो गया है, तो आप उसमें थोड़ी सी सूजी और ऐड कर दें तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो अब हम 1 कटोरी में पानी लेंगे और 1 कॉटन का कपड़ा मैंने कटोरी पर लगा लिया है, इस पर पानी लगा लेंगे ताकि इस पर वड़े चिपके नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा सिंपल मेथड है वड़ों को एकदम परफेक्ट गोल बनाने के लिए। तो अब थोड़ा सा बैटर हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसे हाथों से पानी लगाते हुए अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो एकदम गोल बना लिया है मैंने इसे और अब इसके बीच के अंदर हम होल कर देंगे। तो इस तरह आप बहुत आसानी से वड़े बना सकते हैं, ये देखिए। और इस तरह हाथों पर इसे उतार कर हम इसे तुरंत तेल में डाल देंगे। तेल के टेम्परेचर को चेक करने के लिए वड़ों के मिश्रण के थोड़ी सी ड्रॉप हम इसमें डाल के देखते हैं। तो ये देखिए, ये तैर कर ऊपर आ गई है और काफ़ी अच्छे से फूल गई है, यानी तेल एकदम परफेक्ट गर्म है। तो एक एक करके हम इसमें वड़े डालते जाएंगे। वड़ों को डीप फ्राई करते समय हमेशा लो मीडियम फ्लेम ही रखें। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में वड़े ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। तो जितना संभव हो आप गैस का जो फ्लेम है वो कम ही रखें, ताकि तेल है वो ज़्यादा गर्म ना हो पाए और वड़े हैं वो अंदर तक अच्छे से सिक जाएँ। तो अंदर से ये काफ़ी स्पॉन्जी हो जाएंगे और पक जाएंगे। तो वड़े बनाने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि ये काफ़ी मोटे होते हैं और धीरे धीरे हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो जैसे जैसे वड़े बनते जाएंगे उनको हम निकालते जाएंगे और बीच में दूसरे वड़े डालते जाएंगे। तो इस तरह ये सारे वड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। ये काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं, बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं अंदर से और ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो अब इन्हें जैसे जैसे डीप फ्राई हो रहे हैं उन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह आप जब सूजी के वड़े बनाएं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, जिससे वड़े हैं वो बहुत ही अच्छे परफेक्ट बनेंगे, बहुत ही स्पॉन्जी बनेंगे अंदर से और ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी होंगे। तो ये धीरे धीरे मैं सारे वड़े हैं वो निकाल लूँगी, क्योंकि ये सारे वड़े डीप फ्राई हो चुके हैं और अब इन्हें एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप ये एक बार ज़रूर बना के देखें ये फटाफट बनने वाले सूजी के वड़े। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। यदि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और अपने सुझाव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।